फ्रेंड्स, आपने सुना होगा हमारी धरती एक बहुत ही बड़े चुंबक के जैसा काम करती है। अर्थ के इस प्रॉपर्टी को जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे हमारे चारों ओर गैस लेयर्स का बना एक एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमारे अर्थ को चारों ओर से घेरते हुए एक मैग्नेटोस्फीयर का फॉर्मेशन करती हैं। आपको पता है अर्थ हैज वेरी स्ट्रॉन्ग, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटोस्फीयर इन द सोलर सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ इसके कारण एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज पॉसिबल ओनली इन आवर प्लैनेट। ऐसा क्यों, आपको बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं सूर्य एक आग का गोला है, इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस लगातार चलते रहते हैं और जिसके कारण इसका अपर एटमॉस्फेयर, जिसे कोरोना कहते हैं, वो स्टेबल नहीं रह पाता। इसके सरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ साथ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स का कलेक्शन प्लाज्मा भी बाहर निकलते रहता है। सोलर स्टॉर्म के समय इस प्लाज्मा का भयंकर ऊर्जा के साथ कोरोनल मास इजेक्शन होता है, जो सोलर विंड के रूप में आगे बढ़ती है। इस सोलर विंड के साथ बहुत ही तेज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स का ग्रुप भी ट्रैवल करता है। इससे पहले कि सोलर विंड हमारी धरती तक पहुंचे, मैग्नेटोस्फीयर के साथ इसके कोलिजन से एक मैग्नेटिक स्टॉर्म डेवलप हो जाता है। इस दौरान हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलर विंड की हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर लॉरेंट्ज़ फोर्स अप्लाई करके उन्हें हेलिकल पाथ में ट्रैप कर देती हैं। इस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल्स का मोशन जियोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और ये हमारी धरती तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह हमारा मैग्नेटोस्फीयर धरती की ओर बहती हुई इस खतरनाक सोलर विंड से हमें बचा कर रखता है। नाउ, जैसे किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ जाती है, हमारे जियोग्राफिक पोल्स की ओर चलने पर जियोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनके साथ मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल्स भी इंटेंसिफाई होने लगते हैं। जहां इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स का कोलिजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। कोलिजन्स के दौरान होने वाले एनर्जी ट्रांसफर से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल्स पर चले जाते हैं एंड व्हेन दे काम डाउन, फोटॉन्स के रूप में होने वाले एनर्जी रिलीज से हमारे आसमान में एक खूबसूरत सजा हुआ रंगमंच दिखाई देने लगता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के डी एक्साइटेशन से ग्रीन, नाइट्रोजन के डी एक्साइटेशन से पिंक एंड ब्लू और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से रेड कलर की लाइट रेस बाहर निकलती है। हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल में इसे ऑरोरा बोरियलिस और साउथ पोल में इन लाइट्स को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। कई लोग ऑरोरा को साइन ऑफ गुड लक भी मानते हैं। ये इवेंट बहुत ही ऊंचाई पर हमारे अपर एटमॉस्फेयर में होता है, इसलिए इससे हमें और हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ पूरी हुई नॉर्दर्न लाइट्स की कहानी रुपेश वर्मा की जुबानी। मिलते हैं अगले हफ्ते। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।